नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी पर हमले बढ़ गए हैं। अप्रैल से जून तक 4 मामले सामने आए हैं। भारत सरकार ने इस मामले पर नोटिस लेते हुए सोमवार को पाकिस्तान हाई कमीशन के सीनियर डिप्लोमेट को तलब किया। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिप्लोमेट से कहा गया है कि वो सिखों पर हुए हमलों की गंभीरता से जांच करें और इस जांच रिपोर्ट को भारत के साथ शेयर किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान से ये भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम करें। भारत का कहना है कि हालिया हमलों से साफ हो जाता है कि उनमें मजहब के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। पाकिस्तान के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को दुकान से घर लौट रहे एक सिख कारोबारी पर बाइक से आए दो लोगों ने हमला किया था। इस हमले में मनमोहन सिंह नाम के इस सिख कारोबारी की मौत हो गई थी। ये हमला पेशावर के कक्षाल इलाके में हुआ था। 34 साल के मनमोहन एक ऑटो रिक्शा से घर जा रहे थे। एक चौराहे पर इस ऑटो को रोका गया और करीब से सिंह पर गोलियां चलाई गई। पुलिस ने जांच के नाम पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया। कुछ खबरों में कहा गया कि पुलिस को इलाके में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे में फुटेज हाथ लगे हैं। इनके आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को भी एक सिख कारोबारी पर हमला किया गया था। इस सिख का नाम तल्लुक सिंह बताया गया है। एन वक्त पर सिंह सतर्क हो गए और फायर उनके दाएं पैर में लगे। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।